उड़ीसार जनप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एबार दुर्ग कपा से मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा यह मुहूर्त आम सविस्तारे खबर आपनर मजलैक लिशो और इतिम्य गुतवपूर्ण खबर जानसो उड़ीसा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार निर्वाचन प्रचार हाई वोल्टेज निर्वाचन प्रचार मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार आम आपको गुतवपूर्ण खबर पार भगते जानसो और उड़ीसा मुख्यमंत्रीगढ़ हाई वोल्टेज प्रचार चलासे उड़ीसार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तुला धुना राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार और तहते जीतुके कईबाओ कटाक्ष कर कब लगे उड़ीसार जनप्रिय मुख्यमंत्रीगढ़ कथा उल्लेख करते बीजेपी चार आसन क्य लगे सन्दर्भ तो मंत्य कर राज्य मुख्यमंत्रीगढ़ चार आसन नपाले कॉग्रेसे पुनर राम मंदिर भांगि दी कॉग्रेसे राम मंदिर भांगि आको बाबरी मस्जिद सजी मंत्य कर राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा कथा उल्लेख कर जे आगते कॉग्रेसे मूक सुधि राम मंदिर के निर्माण कर आजिकाली मूक तेने कथा नुसुधे और एनेरणे आसलते राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा यार देखने पा गए नवीन पटनायक दुर्ग कपा से कईबाओ विस्फोरक मंत्य दांगी धरे एक कथा उल्लेख करते कॉग्रेसे एस सी और एस टर मुसलमानको रिजार्भेशन दिले महिला बारश पंचाश टका पा छत्तीस करत एहेजारक पाय मध्य प्रदेश महिला पंचाश टक पाय कि उड़ीसा क्य नपाय राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा एक कथा उल्लेख करते राज्य महिला दुबर पंचाश हजारक टका दियार इतिम्य प्रतिश्रुति प्रदान कर राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा और उड़ीसा बीजेपी शासन पांच बसरत साढ़े तीन लाख निबन निजुक्ति दियार आश्वास प्रदान कर राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा अह दस जून उड़ीसा बीजेपी सरकार शपथ लबी मंत्य कर राज्य मुख्यमंत्रीगढ़ उल्लेख जो उड़ीसा लोकसभा विधानसभा निर्वाचन और यार कब लगे उड़ीसा बीजेपिये ऊर बीस आसन लाभ मंत्य कर राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा और कि मंत्य कर राज्य मुख्यमंत्रीगढ़ अपर मजद लोगों ने बोला है 400 सीट क्यों चाहिए, हमें 400 सीट इसलिए चाहिए नहीं तो कांग्रेस लोग आके दोबारा राम मंदिर का जगह में बाबरी मस्जिद बना सकता है। तो हमें ये भी निश्चित करना है कि हमारा देश में कभी भी बाबरी मस्जिद ना बने, इसीलिए मोदी जी को हमें 400 सीट से भी ज्यादा सीट देके प्रधानमंत्री बनाना है। भाई और बहनों, मोदी जी का गारंटी, पहले मैं जब चुनाव में आते थे तो कांग्रेस लोग हम लोग को पूछते थे कि मोदी जी तो बोला था राम मंदिर बनेगा, भैया देवदत्त कब बनेगा। आजकल कांग्रेस पार्टी और हमें नहीं पूछता है, पहले पूछता था कि डेट बताओ। अभी उनका मालूम है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया और लाखों लोग हर दिन राम मंदिर का दर्शन भी करता है। अभी डर में मारे कांग्रेस हमें नहीं पूछता है, इसलिए कांग्रेस को मालूम है कि राम मंदिर में ही हम फैलने वाला नहीं है, आगे जाके हम हमारे देश का हर मंदिर को मुक्त करवाना है। हमारा एजेंडा लंबा है और हमें आगे जाना है। आप लोग देखिए, हमारा असम में माताओं को हर महीना बैंक अकाउंट में 1250 रुपया मिलता है। हर माताओं को हर महीना बैंक अकाउंट में 1250 रुपया मिलता है। छत्तीसगढ़ में हर माताओं को बैंक में 1000 रुपया मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? महतारी बंधन योजना मिलता है कि नहीं मिलता है? और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना महीना 1250 रुपया मिलता है। माताओं को उड़ीसा में कुछ मिलता है? कुछ मिलता है? माताओं आप बोलिए, महीना कुछ मिलता है? आप लोग सरकार से कुछ मिलता है? अगर असम में मोदी जी 1250 रुपया देते हैं,
अगर छत्तीसगढ़ में मोदी जी 1000 रुपया देते हैं, अगर मोदी जी मध्य प्रदेश में 1250 रुपया देते हैं, तो हमारा उड़ीसा का माताओं को भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन मिलता तो कुछ नहीं है, यहां तो सब कुछ पंडियान जी को ही मिलता है, यहां तो बाकी लोगों को कुछ बोलता भी नहीं है। नवीन बाबू मीटिंग में भाषण भी करता है तब भी पांडियन जी ही माइक पकड़ के रखते हैं, है ना? तो माइक पकड़ने का जिम्मा भी आप लोगों को नहीं मिलता है, उड़िया का कोई नौजवान को नहीं मिलता है उड़ीसा का। भाई इतना छोटे काम है, खाली माइक ही पकड़ना है, कम से कम वो तो कोई मेरा आदिवासी भाई को दे दो वो काम, वो भी नहीं देते हैं, सब एक ही व्यक्ति को दे देते हैं। हमारा ये वादा है कि छत्तीसगढ़ में, आसाम में, मध्य प्रदेश में जैसे हमने किया हो, हम उड़ीसा का माताओं को हम 2 साल में 50,000 रुपया हम देने का काम करेगा। क्यों काम करेगा? 50,000 रुपया का मतलब क्या है? 50,000 रुपया का मतलब अगर हम 1000 रुपया देना स्टार्ट करो तो साल में 12,500 मिलेगा, लेकिन हम तो पहले से कुछ नहीं मिला, तो पहले से कुछ नहीं मिला इसीलिए हम उड़ीसा का माताओं और बहनों को एक साथ 50,000 रुपया देना चाहता हूं, एक साथ कुछ काम करे, कुछ अपना काम शुरू करे। 10 माताओं को मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, अगर 50,000 रुपया एक माताओं को मिलता है 10 ग्रुप में वो 5 लाख रुपया हो जाता है, बहुत कुछ हम लोग कर पाएगा आगे जाके। तो इसलिए हमें ये हमने वादा किया हो, ये मोदी का गारंटी है कि उड़ीसा में जब हमारा सरकार बनेगा हम उड़ीसा का माताओं को 2 किस्त में हम लोग 50,000 रुपया एक साथ देने का हम लोग काम करेंगे, एक साथ देने का हम लोग काम करेगा। हमारा देश में आज SP SC OBC रिजर्वेशन का साथ साथ हमारा देश में कांग्रेस सरकारों ने मुसलमानों का रिजर्वेशन शुरू किया। अमित शाह ने क्या बोला आंध्र प्रदेश में कि हमारा देश में जो आरक्षण का अधिकार है, यह आरक्षण का अधिकार शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट का है, आदिवासी का है, यह आरक्षण का अधिकार ओबीसी का है, यह आरक्षण का अधिकार मुसलमानों का नहीं है। आरक्षण का लाभ मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ खाली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए, हमारा ओबीसी भाई बहन को मिलना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो लोग बीजेपी का दर में हमारा नेताओं का भाषण तोड़ मोड़ से आज लोगों का सामने ले आ रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश में दलितों के लिए काम किया, शेड्यूल ट्राइब के लिए काम किया, आदिवासी समाज के लिए काम किया, भगवान बिरसा मुंडा का आदर्श जिंदा रखने के लिए उन्होंने देश में काम किया। मोदी जी का सरकार ने ही थोड़ी दिन पहले कुंडा रेड्डी और दुराई समाज को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा भी दिया। आगे भी जाके हमें राणा के लिए, कुमार के लिए, लोहार के लिए, गोडा के लिए, कटिया समाज के लिए भी हमें हमारा दायित्व पालन करना है, ये भी बात हमारा एहसास है। हमें आदिवासी समाज का उत्थान के लिए काम करना है, हमें उड़ीसा का उत्थान के लिए काम करना है, हमें भारत का उत्थान के लिए काम करना है।